मोहतरम दोस्तों, आपकी खिदमत में एक ऐसा वीडियो लेके हाजिर हुए हैं जिसे देखकर आप यकीनन हैरान रह जाएंगे। इस मुस्लिम ज्वेलरी शॉप वाले ने रिंग बेचने आई अमेरिकन खातून के साथ जो किया, ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में एक अमेरिकन खातून अपनी फैमिली के साथ एक मुस्लिम ज्वेलरी शॉप वाले के पास अपनी रिंग बेचने के लिए आती है क्योंकि उसे पैसों की बहुत ज़रूरत थी। वो मुस्लिम ज्वेलरी शॉप वाला कहता है कि आप इसे क्यों बेचना चाहती हैं, तो वो औरत कहती है कि मैं पूरी तरह से टूट चुकी हूँ और मुझे अगले महीने तक तनख्वाह नहीं मिलेगी। उसके बाद ये रिंग वो अमेरिकन खातून उस मुस्लिम ज्वेलरी शॉप वाले को दे देती है और वो उस रिंग को चेक करने लगता है। इसके बाद ये शख्स सवाल करता है कि आप सिर्फ पैसों की वजह से इस रिंग को दोबारा बेच रही हैं, तो वो खातून कहती है कि दरअसल ये मेरी माँ का तोहफा था। वो ज्वेलरी शॉप वाला कहता है कि आपको कितने पैसों की ज़रूरत है, तो ये अमेरिकन खातून कहती है कि मुझे नहीं मालूम कि मेरी मदद करने में इस रिंग की कीमत क्या है। इसके बाद वो मुस्लिम शख्स अपनी जेब से पैसे निकालता है और उस खातून को दे देता है और बाद में वो रिंग भी उसे वापस कर देता है। ये देखकर दोस्तों वो खातून काफ़ी इमोशनल हो जाती है और आंखों से आंसू आने लगते हैं। ये मुस्लिम शख्स कहता है कि आप बराए मेहरबानी इस रिंग को ले जाएं और कोई ज़रूरत हो तो मुझे बताना। दोस्तों, इंसानों से प्यार और मोहब्बत और ज़रूरतमंद इंसानों की मदद के अमल को हर दीन और मजहब में तहसीन की नज़र से देखा जाता है, लेकिन दीन इस्लाम ने खिदमत इंसानियत को बेहतरीन अखलाक और अजीम इबादत करार दिया है।